गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम कैसल में जाके अपने आप को बचाएंगे, और अगर कैसल में जाकर कैसल में आपको देखो हमें बहुत टाइप के मॉन्स्टर्स मिलेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें क्या करना है, हमें कैसल में जाना है और अपने आप को बचाना है विद डिफरेंट एस्पेक्ट। अगर मुझे कैसल में जाना है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं राइट की तरफ से जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं राइट की तरफ से जाऊँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये मैं राइट की तरफ से भी नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, एक तो जो मेरे घोड़ा है ना, ये देखो कैसल आ, चलो कैसल तो मिल गया, कैसल के फ्रंट गेट से हम जा रहे हैं और कैसल के फ्रंट गेट पे मुझे काफ़ी गार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ये अपने बेसिक गार्ड है लेकिन ये ऊपर से बो कौन मार रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले जो मुझे बो मार रहा है इसे मारूँ ताकि मैं बाद में धीरे धीरे गार्ड्स को एक एक करके मार सकूँ, लेकिन ये मेरे को बो तक जाने नहीं देंगे। तो आजा बेटा तुझे पहले मार, ये देखो ये सबसे नॉर्मल बंदा है, लेकिन जब ये मारने पे आते हैं ना आप किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते, कोई भी आपकी आके लाइफ कम कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत पावरफुल वेपन है तो उसके बाद भी। अब इसे देखो मैंने पहले से अपने डिफेंस स्टैंस लिया है लेकिन फिर भी चलो। अच्छा दो और बच्चे, इन्हें मैं अपने स्पेशल अटैक से मारने की कोशिश करता हूँ। अच्छा उस बंदे को मैं दिख ही नहीं रहा, अरे वाह। तो अगर मैं सीधा जाके, ये क्या मिल गया मुझे, चलो स्टोन वोड की काफ़ी कम मिलती है, स्टिल मिल गई, वेल गुड। एंड इसे भी मार देते हैं एक मिनट, ऑल राइट ये भी ख़त्म। अब मैं कैसल में घुसने की कोशिश करता हूँ। कैसल में जाने के लिए मुझे आई होप कि और कोई मॉन्स्टर्स ना मिले, क्योंकि सिपाहियों को मारने में इतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन कोई मॉन्स्टर दिख जाए ना। ये यहाँ पे लोग मरे क्यों हुए हैं, अगर बाल सिपाही खड़े थे तो यहाँ लोग, आई विश इससे बात करके देखते हैं कुछ बताए। तो गाइस इससे बात करके मुझे ये पता चलता है कि इसका नाम इरीना है एंड ये कैसल मोड़ने जो साउथ की तरफ है वहाँ से छुप कर आई है, क्योंकि वहाँ सर्वेंट्स ने बगावत कर दी थी है। एंड इसकी आईसेट काफ़ी वीक है बचपन से, तो इसे लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया, बट इसे चिल्लाने और रोने की काफ़ी आवाज़ सुनाई दी है। इसके फादर जो है वो कैसल के ड्यूटी कमांडर है और उसने इसकी निकलने में मदद की है, लेकिन वो वहीं पे रुक गए। तो अब इसको डर सता रहा है कि इसके फादर जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, तो इसने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हम एक लेटर को इसके फादर तक डिलीवर कर दे, और क्योंकि वी आर ए जेंटलमैन हम इनकी रिक्वेस्ट को मना नहीं करेंगे। तो इसलिए हंसते हंसते हमने इनका लेटर ले लिया है। दो अंदर हमें मुझे लग रहा है मॉन्स्टर्स मिलेंगे, और क्योंकि ये ब्लाइंड है इसे पता नहीं, चलो देखते हैं अंदर हमें क्या मिलेगा। तो ठीक है हम अंदर, मैंने टॉरेंट अपने घोड़े को निकाल लिया। हम यार ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है और मुझे लग रहा है मुझे अपने, ये जायंट भी बैठा हुआ है, बट मे बी आई गेस हाँ हाँ ये सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर ये सो रहा है तो हम लेफ्ट लेफ्ट की तरफ, ये सोल्जर क्यों रो रहा है भाई, तो यहाँ पे ये सोल्जर रो नहीं रहा, ये अपने मरे दोस्त पे रो रहा है। ओके ठीक है, तो मतलब इसके फ्रेंड को किसी ने मारा है राइट, तो मतलब यहाँ पे मॉन्स्टर्स है डेफिनेटली, और देखो दिख भी गए सामने मॉन्स्टर, यहाँ पे कुत्ते अपनी दावत कर रहे हैं। तो पहले इन कुत्तों को पेलते हैं। जायंट सोता रहे, जायंट हमारा बहुत नुकसान कर देगा अगर ये जाग गया। पहले मैं डॉग्स को मारता हूँ, ये डॉग्स भी पता नहीं किस टाइप के हैं, इनकी रिब्स तो साफ नज़र आ रही है। और अब इन मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ, ये मॉन्स्टर्स थे और उस लड़की को लग रहा था वो ब्लाइंड थी कि सर्वेंट्स रिवल कर रहे हैं, देखने के लिए खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर हैं इन। मैंने डबल हैंडेड स्वॉर्ड इसलिए लिया, इससे हमारा डैमेज ज़्यादा होता है, अगर सिंगल हैंड से करते हैं तो भी डैमेज होता है, पर डबल में एक अटैक मस्त लगता है। मैं दूसरी स्वॉर्ड से लड़ता हूँ, ये मेरी ब्लास्फेमी स्वॉर्ड है, इसको मैंने लेवल 10 पे किया हुआ है, शील्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी इन गवारों से। तो देखना कैसे जंप करके अटैक कर रही है, मतलब हद हो गई। चलो एक तो गया, इसको भी, अरे यार ये पीछे से कुत्ता, ये बचा कब, हमने तो सारे कुत्ते मार दिए थे, ये कुत्ता कैसे बच गया यार। ये पीछे ना वो अड़ गया, मैं रोल बैक नहीं कर पा रहा। ठीक है इवन, अरे काका तुम ही बचा लीजिए हमको, एक काका काहे सोत हो काका, अबे साले खड़ा क्यों नहीं हो रहा रे, मैं तेरे घर उठ गया उठ गया उठ गया भाई। मुझे लग रहा है इसके अटैक में शायद हम बच जाए, ये मारता है अंधे होके मारते हैं, तो मे बी
भाई कुत्ता भी पागल ही है, पहले तो इन्हें मारना पड़ेगा। चलो ये तो आप बचा जायंट, और ये कुत्ता कैसा पागल है, ये तो पीछे पड़ गया आधों के। चलो भाई इसने अपने हाथ से कुत्ता तो मार दिया, अब इससे मार, जायंट्स का ये इसके पैर के नीचे नहीं आना था। ये लाइफ की बहुत ऐसी तैसी कर देता है, और वो तो अच्छी बात है, तलवार तलवार भी निकाले, तलवार निकाल लेगा ना फिर देखना कितना नुकसान करता है। और इसमें मेरी स्पेशल अटैक भी ज़्यादा डैमेज नहीं करते, जायंट्स का मुझे काफ़ी अटैक करना पड़ता है। ये देखो निकाल ली ना इसने तलवार, इसके बीच से मारो, मतलब कितना डॉट्स कर लो इसको, पागल आदमी पीछे ही पड़ा हुआ है, मे भी मेरी स्पोर्ट इस स्पोर्ट से कुछ काम बन जाए। ये देखो ये देखो, अभी मैं सामने हूँ गधे, मुझे लगता है इनमें थोड़ा दिमाग कम होता है, जायंट्स का तो थोड़ा दिमाग कम होगा। और चलो चलो भाई गाइस ये भी मर चुका है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमें कैसल की तरफ जाना है, और कैसल की तरफ मे भी कहीं एक और जायंट ना मिल जाए आगे। मैं घोड़े से जाऊँ, घोड़े से ही जाता हूँ। अच्छा ये जो गोल गोल होते हैं ना, इनसे कई बार मारने से एशेज ऑफ वॉर मिल जाती है, एशेज ऑफ वॉर को आप अपनी ब्लेड के ऊपर लगा के नए नए स्किल्स कर, जैसे ये मुझे मिल गया एश ऑफ वॉर माइटी शर्ट, तो आप नए नए स्किल्स को अपनी स्वॉर्ड में ऐड कर सकते हो। आई गेस मुझे घोड़े से जाना चाहिए, अभी कैसल काफ़ी दूर है राइट। हाँ चलो ये मुझे ग्रेस मिल गया, यहाँ मैं अपना सेव कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं मर गया ना तो फिर मुझे बहुत पीछे से आना पड़ेगा। और इस गेम में आप कितनी बार भी मर सकते हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब हम वीपिंग पेनिनसुला से जा रहे हैं, और गाइस मैंने घोड़ा ले लिया है क्योंकि कैसल काफ़ी दूर है। देखो आपको कैसल कितना दूर है, जो मैंने बुक मार्क डाला हुआ है ना वहाँ पर कैसल है, एंड ये सामने के स्टैचू खड़े के इतना बड़ा, हाँ ये मैप सा लग रहा है, ये मैप से लग रहा है। ठीक है चलो हम सही जा रही है सही डायरेक्शन में, यहाँ से मैप मिल जाता है। और कैसल तो ओ तेरी, ये कौन से आया, भैंस की पूंछ, भाई साहब ये कौन मार रहे। अच्छा एक और जायंट गाय से, बिल्कुल वही बो वाला जायंट है जो ग्राफ्टेड के साथ हमने लड़े थे, तब भी था ये वहाँ पे। तो मैं इसकी शेडो में चलता हूँ, तब तक इसकी शेडो में जाके मैं सोचा हूँ मैं थोड़ा सा अच्छा मैं इसे डॉच करूँगा। चलो जंप मार के काम तो हो गया, एक बार इसके पैरों तक पहुंच जाऊँ फिर ही मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं मेन अटैक करके इसे मारने की कोशिश करूँगा, बस दो तीन अटैक ही झेल पाए गए। चलो गाइस जायंट से भी छुटकारा मिल गया, अब हम कैसल के अंदर चलते हैं, क्योंकि इस कैसल के अंदर बोला गया है कि एक मॉन्स्टर ने कब्जा किया हुआ है और हमें इस कैसल को मॉन्स्टर से फ्री करना है। यहाँ पे मुझे एक और सेव पॉइंट मिल गया, पहले मैं गेम देखो, सारे सोल्जर्स इन मॉन्स्टर्स ने मार दिए, एक भी सोल्जर जिंदा नहीं है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर वॉर चल रही है अभी भी, या शायद मॉन्स्टर्स ने पूरे पे कब्जा कर लिया। अच्छा जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट बहुत अच्छी लगती है, लिफ्ट के सेंटर में एक बटन है, अगर आप उसके ऊपर खड़े हो जाओगे तो बटन दब जाएगा और लिफ्ट अपने आप ऊपर आने लगती है। लिफ्ट का प्रोसेस इस गेम में बहुत अच्छा है। गाइज आपको मेरे कपड़े कैसे लगे इसके, मेरे को ड्रेस बहुत अच्छी लगती है इसमें, थोड़ा ना रॉयल वाली फीलिंग आती है। अब ये देखो ये कैसल मौने में मार चुके हैं, और मैं पहले यहाँ छुप के एक बार एनाल, अच्छा यहाँ भी कुत्ते हैं, रुको मैं पहले दूर से एनालाइज कर लेते हैं ना कितने गंदे हैं। यार ये कुत्ते ना आधी लाइफ का नुकसान कर देते हैं, मेरे को बड़े गंदे लगते हैं। तो अब आप देख लो गाइस सामने 1 2 3 4 चार है, ठीक है ये चार बंदे खड़े हैं, और मुझे एक साथ तो इन चारों से लड़ने का मतलब है कि मैंने इन्हें टॉर्च करके निकलता हूँ, कहीं कोने में जाके एक एक करके लड़ूंगा, ठीक है मेरे हिसाब से तो वही बेस्ट रहेगा। तो ठीक है इनके पीछे से निकलते हैं धीरे से, इवन दो मुझे देख लेंगे तो इन्हें इतने चलने में टाइम लगेगा, मैं आगे जाके देखो इन्होंने मुझे नोटिस कर लिया गाइस, तीनों ने मुझे नोटिस कर लिया। अब मैं फटाफट से कोने की जगह ढूंढता हूँ जहाँ से एक एक करके मैं सबको मार सकूँ, मे बी रूम में मुझे एक एक कर, क्योंकि एक साथ तो घुस नहीं सकते, जैसे एक एक करके ही आएंगे मैं एक एक को मारता रहूँगा। पहला आया एंड ये देखो इतना कूद के मारता है ना कमीना, मतलब हद ही हो गई, सिपाही इतना तेज मार दिया तो दादा तो इनका पता नहीं कैसे मारेगा। ये देखो दो आ गए, यार जल्दी मर, तीन तीन आ गए, इनका लीडर भी आएगा आई गेस, मुझे लग रहा है लीडर भी था ना इनका, हाँ इनका लीडर भी आ गया लीडर। मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसे मेन अटैक से मारूंगा, उन्हें लाइफ आधी कर दूंगा। ये देखो
इसकी एक्स ही इतनी बड़ी है, इसे उठाने में टाइम लग रहा है। अभी एक्स तो अपनी साइज का ले, मैं इसे सांस ही नहीं लेने दूंगा। लो चलो गाइस, ये भी मर गया। लेट्स मूव इन द कैसल। कैसल में जाके देखते हैं सिचुएशन कितनी अच्छी है। और मैंने यहाँ पे एक और गंदा देखा था राइट की तरफ, एक बार उसकी तरफ जाके देखते हो। देखते हो कोई बचा तो नहीं है यहाँ पे, ये कुत्ता बचा है, इसे तो मारने में एफर्ट में लगेगा। और कोई बचा है? और दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं गाइस। ये वाव क्या पीछे गिरा है, ऑसम। तीन तीन बच्चे हैं, ये रहा एक और बंदा। मारते भी इनकी सोट कैसी है, ये राक्षसों वाली एकदम। चलो ये भी मर गया। अच्छा मैंने ना एंट में एक और गंदा देखा था सोता हुआ। हाँ वो रहा देखा, ये रहा, इसको भी मारना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ इसे सोते ही मार देते, क्योंकि खड़ा हो गया ना फिर बहुत दिमाग खराब करेगा। इतने उठेगा मैं इसकी लाइफ उड़ा दूंगा सारी। बाय बाय, तू सो ही जा भाई, तू उठाए क्यों? तो ठीक है गाइस, अब कैसल के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं और कौन बचा है। कैसल बहुत ही अच्छा बना है। आप देखो कैसल यार कितना अच्छा है। कई बार ना गेम को खेल के रियल में मन करता है कि ऐसा वर्ल्ड हो और उसके अंदर हम रहे। कैसल ये देखो, ये किसे हुटअप कर रहा है भाई यहाँ खड़े होके। अच्छा सोल्जर ये लड़ रहे हैं। और ये भाई पता है इस गेम में मुझे सबसे बेकार क्या लगा, सोल्जर भी हमें मार रहे हैं। हम मतलब बचा रहे हैं सोल्जर को, लेकिन उसके बाद भी सोल्जर भी हमें मार रहा है और मॉन्स्टर भी हमें मार रहा है, मतलब दोनों ही हमारे दुश्मन हैं। कायदे से तो सोल्जर को खुश होना चाहिए कि उसे बचाने को ही आए, पर नहीं, क्या कर सकते हैं, दिमाग का उदमा दे। तो ठीक है गाइस, हम कैसल के अंदर जा रहे हैं। और ये देखो कैसल में दो तीन चार ये आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे तो सबको ही मारना है क्योंकि मेरे लिए तो सभी दुश्मन हैं। मैं किसी को भी छोड़ूंगा ना, लेकिन मैं एक एक करके लड़ूंगा। ये देखो ये भी मुझे मार रहा था। अबे गधे तेरे को ही बचाने आया हूँ भाई। इनको मारने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेन अटैक से ही मारेंगे इन्हें। ऑल राइट, यहाँ भी कोई है क्या? भाई तुम यहाँ क्या कर रहे थे? दोनों खाना खा रहे थे क्या? ये क्या कर रहा है भाई, तू कर क्या रहा था यहाँ पे? वो तो मरो मैं। चलो स्टील वायर टॉर्च भी मिल गई। ये केव में जब जाते हैं ना तो टॉर्च के बिना हम केव में नहीं जा सकते। मैं आपको नेक्स्ट लेवल में दिखाऊंगा। और सोच चलो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर देखते हैं कोई और बंदा है। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ से हमें नीचे जाना है एंड ये देखो आया, ये इसने हमें देख लिया था पहले। और कितनी ऊपर से जंप आया, डॉच के बाद भी इसने मेरी लाइफ कम कर दी। मतलब आप इन्हें एक मिनट का हिंट दो या आपकी लाइफ को जीरो पे ले आएंगे। अच्छा इस गेम में मैंने एक चीज़ देखा है कि आप किसी भी, कोई छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी को हल्के में लो वही आपकी लाइफ रुला देगा। मैं तो अपनी शील्ड से खेलूंगा क्योंकि इनकी वो उससे मेरे को दिक्कत हो सकती है। ऑल राइट ये देखो उड़ रहा है। अच्छा वही आग नहीं उगल रहा जैसे पीछे वाला आग उगलता था। मार ले तू भी मार ले, आ जा बेटा तुझे मैं बताता हूँ। ये अटैक मुझे सबसे बेस्ट लगता है। पर ये इस अटैक का ना कोई डायरेक्ट वो नहीं है, ये मतलब सिचुएशन के हिसाब से होता है। अगर विलेन की बैक साइड है ना आपके साइड, तभी आप अटैक कर सकते हो। मैंने गाइस अपनी डेक्सटेरिटी पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, तभी मैं इतने हैवी शील्ड को लेकर इतनी आसानी से चल पा रहा हूँ, वरना पॉसिबल नहीं था इतनी हैवी शील्ड को लेकर चलना। ये नीचे सेव पॉइंट है तो मतलब मुझे यहीं जाना है, पर पहले मुझे इनको पेलना पड़ेगा, इन दोनों को, तभी सेव करने का एडवांटेज। और यहाँ राइट में क्या है? यहाँ से हम आई गेस वहाँ भी जाना है, तो पहले मैं इन्हें मारता हूँ। ओहो जंप अटैक फेल हो गया। ये देखो ये मुझे ही मार रहा है भाई, तुम लोग पागल हो क्या? मैं तुम्हें तो बचा रहा हूँ। तो गाइस ये देखो आगे भी लड़ाई चल रही है। ये नीचे से हम आए थे राइट की लेफ्ट की तरफ से, एंड ये हमें ग्रेट वन भी मिल गया, नाइस। और ये देखो कितने लड़ रही है, एक सिपाही पे तीन बंदे लड़ते हैं। मतलब जाती देखो आप, मेरे से लड़ो ना, तुम्हें मैं बताता हूँ।
मॉन्स्टर्स को आने में इतना मज़ा आता है ना यार, बस दिल खुश हो जाता है। ऊपर भी रास्ता है, चलो 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 ऊपर देखते हैं क्या मिलता है। मुझे लग रहा है कोई रुवन मिलेगा शायद। अरे ये तो ड्यूटी कमांडर। तो गाइस ये हमारी रीना के पप्पा जी हैं, एंड इनको हमने इरिना का लेटर देना है, ठीक है? तो Foul creatures, as it said, and true. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do. तो गाइस ये एडगर है इरीने का पापा जी, और ये वार्डन है कैसल का। लॉर्ड गॉडरिक ने इसे खुद वार्डन बनाया था, ठीक है? एंड ये बाबा हमें बता रहा है कि किस तरीके से कैसल की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, एंड कैसल में अब कैसल ज़्यादा लंबा झेल भी नहीं पाएगा। एंड एज एन अपॉलॉजी ये हमें कुछ दे रहा है। इसने एज एन अपॉलॉजी हमें सैक्रिफिशियल ट्रिक दिया है। इसका क्या यूज़ है मुझे नहीं पता। तो मैंने सिरेने का लेटर दिया है तो उसने मेरे को थैंक यू बोला है, बट ये अभी भी कैसल छोड़ नहीं सकता क्योंकि कमांडर है, और इसे जो ट्रेजर स्वॉर्ड ऑफ मून है वो गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसको उसकी रखवाली करनी है। तो इसलिए अभी ये कैसल में बाहर नहीं आएगा। जी पापा भाई, मैंने सबको तो मार दिया, बचाओ कौन है अंदर, तू किसके लिए रुका हुआ है? पर चलो क्या करें, अब इसे नहीं आना तो नहीं आना, क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, तू यहीं रह, मैं तेरे लिए बाकी सबको मार देता हूँ ताकि कोई तेरे को परेशान ना करे, ठीक है? तो गाइस इसकी हम थोड़ी हेल्प कर देंगे, हम सब प्लेयर्स को मारेंगे ताकि बंदे को कोई परेशान नहीं कर पाए, क्योंकि हमने उस लड़की को प्रॉमिस किया है, क्योंकि हम जेंटलमैन हैं। तो चलो ओके। अच्छा मैंने यहाँ पे सेव पॉइंट देखा था, मुझे सेव पॉइंट में वापस आना है। ओके, राइट हैंड साइड का कहाँ पे था वो सेव पॉइंट, कहाँ गया? मुझे सेव पॉइंट से निकलना है ना। अरे सेव पॉइंट कहाँ मर गया? ये सीढ़ियाँ मिल गई है, सीढ़ियों से मैं ऊपर जाता हूँ। एंड मुझे जहाँ तक याद है मैं यहाँ से आया था, सीधा जाना है राइट की तरफ। यहाँ बंदे लड़ रहे थे तो सेव पॉइंट इसके आगे था। हाँ ये रहा, मिल गया। तो सेव पॉइंट से हम चल पड़े हैं सीधर, पूरा ओशन है तो यहाँ तो नहीं जाना। मे बी यहाँ से ये, लेकिन जाने ही से ऊपर हम जा नहीं सकते। मे बी आई गेस नीचे तो नहीं जा, हाँ यहाँ से नीचे जाना है। अरे तो काफ़ी नीचे है। ठीक है, ये जाल आ गया, जाला जो भी है ये। इन्होंने सीढ़ियाँ दी है क्या यहाँ पे? नहीं तो सीढ़ियाँ नहीं थी, मतलब टक कूद सकते हम। और यहाँ पे बंदा सो रहा है, इसे सोते को ही मारना पड़ेगा। और ये कौन है भाई? तो गाइस ये बोल रही है कि मैं नोबल ब्लड की हूँ, और ये अच्छा ये इसको खा जाएंगे इसकी सोल को, तो आप प्लीज़ मुझे बचा लो। तो गाइस एक और जेंटलमैन ऑफर आया है, तो डेफिनेटली वी विल सेव हर। एंड ये क्या है? पिकल टर्टल नेक। अरे ये क्या है? ये तो मेरे को दिखाई नहीं भाई, ये कहाँ से आ गया, ये आया कहाँ से? ये तो मेरे को दिखा ही नहीं, साले पूरी लाइफ लेगा क्या? ठीक है गाइस इसको मैं, एक मिनट, इसकी लाइफ भी नहीं जा रही, देखो तीन अटैक करना पड़ रहा है तब जाके ये चलो गया। ठीक है कैसल, यार क्या हालत हो रही है। अच्छा ये भी सो रहा है, सोट बदलता हूँ। ओके ये सब सो रहे हैं यहाँ पे, ये अपना नैप ले रहा है गाइस। फाइन, तो अगर ये नैप है तो मुझे लगा एक अटैक में मर जाएगा। अरे पे शाना है लौंडा। ठीक है एंड तू भी जा बेटा, तू सो ही जा, इनको सोने ही देते हैं। एंड बेटा तू भी सो जा, बाय बाय। अच्छा ये भी एक और आ गया कि क्या है ये? ये तो उसकी तरह है जैसे वेनम नहीं होता, पैरासाइट की तरह। ये देखो ये वहाँ भी सो रहे, नहीं सो नहीं रहे तो हूटिंग कर रहे हैं भाई, कर क्या रहे तू? अच्छा ये इनका लीडर है। अच्छा जी तू भी जा, लीडर था गाइस इनका। तो यहाँ से कूद के क्लिप के साइड में हम आ चुके हैं मैनर के, और यहाँ बहुत आराम से कूद के
एक और जंप और ये फिर से हम गए काम से हद है यहाँ से। अच्छा इससे फट्टे पे कूदना है, बीच में एक फट्टा है ना, मुझे लगता है इन पे कूद कूद के जाना पड़ेगा। ठीक है नेक्स्ट फट्टे का नंबर। ऑल राइट नीचे अंधेरा है और एक बंदा तो सो रहा है, पर कितने हैं ये बंदे क्या है? एक मिनट ये चूहा है। मैंने लैंटर्न ऑन कर लिया, एक सो रहा है एक चूहा है, ठीक है इन दो चूहे हैं, ओके ओके, और एक वो बंदा सो, तीन चूहे हैं भाई साहब। मैंने एक ही अटैक में मारने की कोशिश करूँगा वरना ये मेरी लाइफ आधी कर देंगे। ठीक है तो हमें विप भी मिल गया एक। अच्छा ये जो फ्री में मिलता है ना इनका कोई इतना वैल्यू नहीं होता, मेन तो आप जब बॉस को मारते हो वो वेपन्स जो मिलते हैं वो अच्छे होते हैं। मुझे लैंटर्न ऑफ करना चाहिए अपना। हाँ तो गाइस मुझे लग रहा है हमें सबसे नीचे जाना है और ये फिर से जाते हैं। ये देखो अगर इसे स्टार्टिंग में ना मारे ना तो इतना नुकसान कर देते हैं। ये हमारा लिनियन मिस पेगोटन, क्या नाम है इसका, तो ये इस एरिया का बॉस है जिसने पूरे कैसल पे अपना कब्जा किया हुआ है और ये सब इसके फॉलोवर्स थे। और इससे लड़ने के लिए ज़्यादा मुझे लगता नहीं मुझे एफर्ट करना पड़ेगा। एंड एक बार ठीक है, डॉच करने में दिक्कत नहीं होती पर ऐसे कुछ अड़ जाता है ना तो बहुत दिक्कत आती है डॉच करने में। ओके लगता है एक और बार ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है अब हम सीधा स्किप करेंगे। फाइनल एक लास्ट कोशिश करके देखते हैं दोबारा से लड़के भाई। अब आगे मुझे अपने डॉज पे फोकस करना है और एक शॉट हमारा मिस हो गया बट कुछ नहीं होता। अरे डॉच करने में दिक्कत नहीं होती पर पीछे कुछ चढ़ जाता है ना तो ये कीबोर्ड से कंट्रोल नहीं होता, बट स्टिल मज़ा बहुत आता है। मैं अपनी शॉट से ही लगेंगी। अच्छा बैक रोल करने का एक तो एडवांटेज होता है पर पीछे कुछ चढ़ जाता है ना या फिर दिखाई नहीं देता, बट ये भी पूरा फ्लो में ही है बंदा मतलब मारने को। अच्छा इसका ये अटैक ने पिछली बार में मार दिया था लेकिन अब मैं अपनी स्पोर्ट का ही रखूँगा। बेटा तू तो गया 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 गया, चलो आहा फाइनली ये भी गया। इससे हमें मिली है ग्राफ्टेड ब्लेड ग्रेट स्वॉर्ड। ऑल राइट आई गेस इस स्वॉर्ड को उठाने के लिए कम से कम स्ट्रेंथ 40 पे चाहिए और मेरी स्ट्रेंथ आई पता नहीं कितनी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो लास्ट केस तो फाइनली गाइस हमने कैसल को बचा लिया है एंड द जर्नी वॉज वेरी नाइस एंड एंजॉयड, प्लीज थम्स अप इट रियली हेल्प्स। ओके गाइस तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।